देख रही हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया है। चिराग ने समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इसमें लोजपा रामविलास ने तीनों सीटों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। चिराग ने अपने दो पुराने सहयोगियों को बेटिकट कर दिया है, जबकि दो खास लोगों को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। इसमें खगड़िया और समस्तीपुर में चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर और प्रिंस पासवान को बड़ा झटका दिया है। वहीं वैशाली सीट को लेकर चिराग ने एक और बड़ा फैसला लिया है और अपने पुराने सहयोगी पर भरोसा जताया है। लोजपा रामविलास को इस बार एनडीए में सीट बंटवारे में हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली सीटें दी गई हैं। इसमें हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं जमुई सीट से उनके बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार जो है बनाया गया है। भारती ने 28 मार्च को ही जमुई सीट से लोजपा रामविलास का जो है नामांकन किया। वहीं तीन अन्य सीटों समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली को लेकर अब पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिसमें दो नए चेहरों को मौका दिया गया है। चिराग पासवान ने इन सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कई दावेदारों को भी झटका दिया है। चिराग ने खगड़िया सीट को लेकर राजेश वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। राजेश वर्मा एक व्यापारी है और आभूषण के कारोबार से जुड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार चिराग पासवान के साथ कई मौके पर वह दिख चुके हैं और अभी भी दिख रहे हैं। इसके साथ ही युवा चेहरे के रूप में जमीनी स्तर पर भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय नजर आते हैं। वहीं सियासत में राजेश वर्मा की एक पारी भागलपुर में देखने को मिली, जहां से वे डिप्टी जो है मेयर रह चुके हैं। अब चिराग ने उन्हें खगड़िया में बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया है। खगड़िया से जो है वर्ष 2014 और 2019 में रामविलास पासवान की पार्टी से सांसद बने महबूब अली कैसर ने, जब चिराग और उसके चाचा पशुपति पारस के बीच मतभेद हुआ तो कैसर ने पशुपति पारस के साथ जाने का निर्णय लिया था। हालांकि वे पिछले कुछ समय से चिराग के संपर्क में थे, लेकिन अब उनका टिकट काट कर राजेश वर्मा पर जो है चिराग पासवान ने भरोसा जताया है। समस्तीपुर में एक और बड़ा झटका दिया है। बता दें कि अपने चचेरे भाई प्रिंस पासवान को जो है चिराग पासवान ने झटका दिया। चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच मतभेद होने के कारण लोजपा के टूट के बाद जो है प्रिंस ने भी चाचा पशुपति का साथ दिया था और पिछले कुछ समय से यह चर्चा थी कि प्रिंस को फिर से चिराग टिकट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं।